एक और प्रश्न था कि अभी हम देखते हैं कि साधु संतों की भरमार सी है। आप जितने भी धार्मिक चैनल देखते हैं, आस्था संस्कार सब भरे हुए हैं, दिन भर प्रवचन हो रहे हैं, नए नए लोग आ गए हैं जो भागवत करते हैं और दुनिया भर की कथाएं करते हैं। ऐसे में जो एक आम व्यक्ति है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, हम किस गुरु को अपनाएं, किस राह पर चलें। मूल रूप से सबके सिद्धांत भी थोड़े थोड़े भिन्न होते हैं, तो सही जगह पहुंचने के लिए क्या मार्ग आप बताएंगे? देखिए, हमारे जो सनातन की बगिया है ना, उसमें बहुत सारी वैरायटी है पुष्पों की, बहुत सारे पुष्प हैं। आपको जो पुष्प अच्छा लगता है उसे आप चुन लो। हमारे यहाँ तो भूत की पूजा का भी प्रावधान, भूतों की भी पूजा होती है। तो ये आपका जो चरित्र है, आपका जो स्वभाव है, वो किससे मेल खाता है? देखिए, जब स्वभाव मिलते हैं ना तो मित्रता होती है, स्वभाव मिलते हैं जब प्रगाढ़ता होती है, स्वभाव मिलते हैं जब भी आपका जो सांसारिक जीवन है वो प्रसन्नता से और सहजता से चलता है। तो इतनी सारी वैरायटी है हमारे पास, आप तो अपने स्वभाव के अनुसार चुनिए और धर्म के मार्ग पे आगे बढ़िए। तो प्रश्न यही है ना गुरुजी की, कहीं सही फूल चुनते वक्त कोई फूल तो नहीं बन रहा? देखिए, कांटे भी साथ में रहते हैं और अनुभव यही सिखाता है। अगर किसी ने धोखा खाया है तो वो एक ही बात सिद्ध करता है कि इसने कहीं ना कहीं विश्वास किया था, क्योंकि बिना विश्वास के धोखा होता नहीं है। और हम अपने अनुभव से कब सीखेंगे? हम स्वयं विचार करना कब सीखेंगे? आज जो पुरातन परंपरा चली आ रही है उसमें कई कुरीतियां भी हैं कि सहज में विश्वास कर लो, कभी मत करो। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस पे सहज में विश्वास नहीं किया था, हर तरीके से परीक्षा ली थी। और जब आस्था हो गई तो उनका बलगम भी इसलिए खा लिया कि इनका रोग मुझे लग जाए, ये ठीक हो जाए। तो आपको स्वयं विचार करना होगा, दूसरों के विचार पे मत चलिए, आपको स्वयं अनुभव करना होगा। विचार शक्ति ईश्वर ने सबको दी है, सबके पास है, बस उसका उपयोग हम लोग नहीं करते।